गाइस बाकी जगह से यहाँ का बेम्बू लुक जो काफी अलग होता है। तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी दियोपू। सो गाइस, इट्स बीन अ वीक एंड आई डिडंट मेक एनी व्लॉग, सो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल शॉर्ट वीडियो ऑफ माय बेम्बू गार्डन एज आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ इट। एंड आप लोग में से भी बहुत सारा होगा कि अभी तक जो बेम्बू गार्डन अपना लाइफ में नहीं देखा हो और बेम्बू को नहीं देखा हो, स्पेशली जो आउटसाइडर्स का हो गया। अरुणाचल का तो सभी लोग देख ही लिया होगा, बट स्टिल कुछ लोग बोलते हैं कि जियो का बेम्बू गार्डन को देखने मन है बोल के ना, तो आज मैं वो सब के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग भी जरूर एंड तक देखिए। सो लेट्स गो। तो ये है जीरो के बेम्बू गार्डन और हम लोग का गार्डन भी पहुंचने वाला है। मेरा घर के बहुत ही सामने में है, तो ये ओनली 5 मिनट्स का डिस्टेंस है। और ये रहा हम लोग का गार्डन, आप लोग को खोल के दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं फाइनली मेरा बेम्बू गार्डन में पहुंच गया, तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ यहाँ के बेम्बू गार्डन कैसा होता है। गाइस, हम लोग का जीरो का बेम्बू लुक जो काफ़ी अलग होता है। ये अरुणाचल का आप कहीं भी जगह चला जाओ पर आपको बेम्बू थोड़ा सा मोटा वाला मिलेगा, बट हम लोग का जीरो का बेम्बू लुक जो पतला पतला होता है आप देख सकते हैं। और यहाँ के बेम्बू लुक का जो क्या और एक यूनिक है बोलने से, ये लुक जो इंडिविजुअली ग्रोथ होता है, बट दूसरा जगह का अरुणाचल का क्या होता है कि बेम्बू लुक जो क्लस्टर फॉर्म में ग्रोथ होता है, इसलिए ये एक यूनिक है। गाइस, पीपल ऑफ दिस वैली इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दिस बेम्बूज फॉर सो मेनी थिंग्स लाइक फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज, फॉर क्राफ्टिंग और बहुत सारा कुछ के लिए ये बेम्बू में ही डिपेंड करता है। यहाँ पर मॉडर्न हाउस हो या आप या में ट्रेडिशनल हाउस हो, आपको सबका में थोड़ा थोड़ा बेम्बू का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। और गाइस, यहाँ की एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, यहाँ के लोग क्या करते हैं कि बहुत इको फ्रेंडली होता है, इसलिए उन जो कुछ कुछ जैसे कि म्यूजिक फेस्टिवल हो गया, फिर ड्री फेस्टिवल हो गया, तो उसमें उन जो ये छोटा छोटा बम्बूस को कट करके उन जो उसमें सर्व करता है, तो उसमें पानी हो गया, फिर वाइन हो गया, सब कुछ को उसी में सर्व करता है। तो यहाँ में डिस्पोजल ग्लास का थोड़ा कमती यूज़ होता है, यूज़ नहीं होता ऐसा नहीं है, यूज़ होता है बट कमती वे में यूज़ होता है, तो विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। तो गाइस, ये इसको हम लोग जो नारंग बोलता है, तो ये इसको ये लोग जो बेम्बूस का टिप वाला पोर्सन को यूज़ करता है, तो यहाँ के लोग बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छा से इस्तेमाल करता है, तो इसलिए ये इसको वेस्ट जाने नहीं देता है, तो ये इसको यहाँ में यूज़ कर देता है ये टिप वाला पोर्शन को। और नीचे वाला जो बेम्बू वाला पोर्शन होता है उसको उन्होंने जो क्या क्या बनाने के लिए यूज़ करता है। और गाइस, बेरा बनने के बाद जो बच्चा खुच्छा वाला ये ब्रांचेस होता है,
तो ये इसको ये लोग जो झाड़ू बना देता है और ये वाला उसको साफ करता है जितना भी नीचे में बेम्बू का ये पत्ता गिरा है। बहुत सुंदर है, एकदम ग्रीन ग्रीन है। और यहाँ में बेम्बू का हार्वेस्टिंग भी होता है, तो ये इसका भी एक मंथ होता है जिसमें बेम्बू का हार्वेस्टिंग कर सकता है, तो वो है अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर को हार्वेस्ट किया जाता है। तो बाकी मंथ में भी आप सोचा होगा कर सकता है। बाकी मंथ में करने से क्या होगा कि आप घर बनाने के लिए अगर उसको हार्वेस्ट करता है तो वो जो पाउडर पाउडर निकल जाते हैं जो कि घर बनाने के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए आप जो अगर ये इसको हार्वेस्ट करता है तो सिर्फ अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर को ही कीजिए, तो आपके लिए आपका घर बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और हम लोग जो जब बेम्बू को हार्वेस्ट करता है तो हम लोग जो लास्ट ईयर वाला का हम लोग जो बेम्बू को ही हार्वेस्ट करता है, जो ये वर्कर न्यूली ग्रोथ वाला को हम लोग जो हार्वेस्ट नहीं करता है क्योंकि उसको नेक्स्ट ईयर के लिए रखता है। तो आप उसको कैसा डिफ्रेंशिएट कर सकता है बोलने से आप यहाँ पर देख सकता है, जो लास्ट ईयर का ये बेम्बू है उन लोग का यहाँ में ऑरेंज ऑरेंज देखने को मिलेगा, और जो ये वर्कर नया वाला लुक ऐसा पूरा ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा, तो आप इजीली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है। और यहाँ में अभी बेम्बू का पर पीस का 30 रुपीस है, तो बहुत दाम बढ़ गया। और आपको जीरो में हर किसी का घर में, विलेज में हर किसी का घर में एक एक बेम्बू बागान होगा, तो आप अगर जीरो आता है तो ज़रूर यहाँ के बेम्बू गार्डन में विजिट कीजिए, बिकॉज ये जो ऑल टाइम एवरग्रीन होता है तो आप लोग को देखने के लिए भी अच्छा लगेगा, और यहाँ का बेम्बू लुक जो काफ़ी यूनिक है तो आप लोग जो ज़रूर देखने आइए। वैसे तो मेरा छोटा सा बेम्बू गार्डन का टूर वीडियो, अगर आप सबको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी एंड बाय बाय।